ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आप बता दें कि जियो लाइफ एग्रीटेक के चेयरमैन विनोद कुमार लाहौटी से हमने खास बातचीत की थी ऑर्गेनिक खेती को लेकर। ऑर्गेनिक खेती को लेकर उनका क्या रुझान है, कैसे इसे देश में बढ़ाया जा सकता है, इस मुद्दे पर उनसे मैंने सवाल पूछा था, आइए सुन लेते हैं। ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में इंडिया ने इतना प्रोग्रेस किया कि आज इंडिया में हम सेल्फ सफिशिएंट है और वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस में क्या हुआ कि इतना ज्यादा केमिकल्स का यूसेज बढ़ गया और इम्बैलेंस हो गया न्यूट्रिशन का, कि फूड के अंदर न्यूट्रिशन कंटेंट बहुत कम हो गया और केमिकल टॉक्सिक केमिकल ज्यादा हो गए। तो अभी वर्ल्ड पूरा इसको रियलाइज कर रहा है, कितने देखते हैं हम इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है तो कई कंटेनर रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द रेसिड्यूज ऑफ केमिकल्स। रिजेक्ट हुआ हुआ फूड हम इंडिया खाते हैं, बाकी जो अच्छा वाला है रेसिड्यूज नहीं है वो यूरोप यूएस जाता है। तो अभी इंडिया में भी कोविड के बाद देखा गया कि यहाँ पे भी लोगों की अवेयरनेस आई कि अच्छा फूड खाए, हेल्दी फूड खाए, न्यूट्रिशन वाला फूड खाए। तो उसके चलते जो डिमांड बढ़ रहा है सेफ फूड का, उसके चलते पूरी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में एक चेंज आ रहा है। लोग देख रहे हैं कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाए जिससे कि पूरा रेसिड्यू फ्री फूड तैयार करे। एवरी बिग स्मॉल कंपनी इज लुकिंग आफ्टर टू स्टार्ट, इवन द बिग पेस्टिसाइड कंपनीज आर स्टार्टिंग ए बायोलॉजिकल और न्यूट्रिशन बेस्ड डिवीजन। मैं कई सारे जब स्पाइसेस के समिट वगैरह में जाता हूँ, वहां पर स्पाइसेस के एक्सपोर्टर्स वगैरह का इंटरव्यू करता हूँ, तो उनके लिए जब मैं चैलेंजेस की बात करता हूँ तो उनका कहना यही होता है कि पेस्टिसाइड्स का जो इस्तेमाल है वो लिमिट से बहुत ज्यादा हो रहा है देश में, इससे वहां के उनके माल रिजेक्ट हो रहे हैं। उस फ्रंट पे कैसे काम करने की जरूरत है? आप लोग प्रोडक्ट तो बना देते हैं लेकिन उसको लेकर अवेयरनेस आप लोग नहीं लेकर जा रहे हैं, लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, लोगों को उसकी वैल्यू नहीं पता चल पा रही है, उसकी ब्रांडिंग नहीं हो पा रही है, उस दिशा में क्या करने की जरूरत है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने भी इसके ऊपर बहुत प्रयास किया, मतलब पिछले 15 साल से नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रोबियल एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक प्लांट एक्सट्रैक्ट्स के बेस पे हमने पूरा सॉल्यूशन डेवलप किया। हम हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से इसको किसानों तक ले जा रहे हैं। जो किसान यूज कर रहा है बहुत खुश है, लेकिन इतना बड़ा इंडस्ट्री है, इतना बड़ा मार्केट है और किसानों को इतने सालों से केमिकल यूज करने की आदत पड़ी है, बड़ी बड़ी बोरियां डालने की आदत पड़ी है, तो इसको कन्वर्ट करने में टाइम तो लग रहा है। क्या यील्ड इससे कमजोर होता है? क्या इस वजह से लोग ज्यादातर केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, उनको लगता है कि ऑर्गेनिक खेती में यील्ड पर तो असर नहीं होगा, ऑलरेडी उन्हें भाव बढ़िया नहीं मिलता है तो उनको लगता है यील्ड पर असर होगा तो दोहरी मार पड़ेगी, क्या ये चिंता है उनकी? इसमें ऑर्गेनिक में देखिए कई तरह की पद्धतियां हैं, जैसे नेचुरल फार्मिंग हो गया, गो आधारित हो गई है, ऐसे ट्रेडिशनल वाले जो है जो स्मॉल स्केल करने के लिए सक्सेसफुल है, बड़े किसान उसमें नहीं कर पा रहे क्योंकि उतना टाइम दे नहीं सकते और यील्ड का इफेक्ट होता है। उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने न्यूट्रिशन सेंसिटिव फार्मिंग का एक पैकेज बनाया, एक प्रोग्राम बनाया, अपने खुद के रिसर्च सेंटर्स है, कई बड़ी टीम है इसमें। इसमें 30-100% यील्ड बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू केमिकल्स, और किसान का कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखते हैं तो मिनिमम 1:8 अक्रॉस द क्रॉप की बात कर रहे हैं, 30% के आसपास जो यील्ड बढ़ रही है या कुछ अक्रॉस द क्रॉप, अक्रॉस द क्लाइमेटिक जोन, ऑल सारे वेजिटेबल फ्रूट्स और सीरियल्स, मिनिमम 30% बढ़ता है, सभी में बढ़ रहा है।